ये किस्मत लड़के की बड़ी अच्छी है, साहिल खान की अच्छी किस्मत है कि उसने ये दुर्दांत अपराध दिल्ली में किया है। कसम से अगर उसने उत्तर प्रदेश में किया होता ना, बाबा बकसने बचते नहीं। अभी तक तो आप भी उसके कब्र पे जाके, मजार पे जाके चादर चढ़ा रही होती। खास तौर से बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए ताकि लोगों में दहशत हो कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। कोई औकात नहीं, हम कुछ कर सकते? हम तो बस सिर झुका के मोदी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जनाब इस पर कुछ करो, आप मोदी हैं तो मुमकिन है ये। तो ये सर किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन अगर ये इसके ऊपर कोई कानून ला देते आप, तो मैं आपको सजा तो सिर्फ एक को करता हूं मैं, लेकिन सर झुका देता आगे। साक्षी हत्याकांड जो कि आपको दिल्ली में पता होगा, कैसे उस दरिंदे ने उस लड़की को चप्पू से मारा, पत्थर से मारा। तो भाई इसके ऊपर मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि अगर यह चीज यूपी के योगी जी के एरिया में हुई होती तो भाई वहां पर अब तक उस लड़के की मजार बन चुकी होती, उसको जो कब्र में गाड़ दिया गया होता। क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान साक्षी साहिल हत्याकांड के ऊपर, चलिए सुनते हैं। अगर साहबा डेरी पे मैं ही जाके उस बच्ची के माँ बाप से पूछूं, आपको खबर होगी, वैसे आप मीडिया पहली बार दे। साक्षी किस्मत अच्छी है लड़के की, उसने ये दुर्दांत कश्मीरी फाइल आई थी उससे भी जोड़ती है। ये किस्मत लड़के की बड़ी अच्छी है, साहिल खान की क्या नाम है, बड़ा अच्छी किस्मत है कि उसने ये दुर्दांत अपराध दिल्ली में किया है। कसम से अगर उसने उत्तर प्रदेश में किया होता ना, बाबा बकसने बचते नहीं। अभी तक तो आप भी उसके कब्र पे जाके, मजार पे जाके चादर चढ़ा रही होती। उसको क्यों हम जेल का खाना खिलाएं, सरकार का खाना क्यों खिलाएं? सरकार इतना फालतू दे रही है तो यहाँ ये मर रहे हैं, उनका क्या? पकड़ो मत, सूट एट टाइट का ऑर्डर दो, किसी लड़की का ऐसे दुर्दांत। अरे केजरीवाल जी तो कह रहे हैं ये तो पुलिस प्रशासन, 2 मिनट की वीडियो देख के उस लड़की पे इतने चाकू से वार किए गए उसकी। आप तो खुद लड़की हैं, प्यार इस हद तक तो नहीं गिरना चाहिए, कम से कम हीर और रांझा का भी नहीं गिरा है लैला जी साहब। हमारे कहने से, हम तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, हमारे कहने से क्या होगा? आप लोग मीडिया वाले हो, रात दिन इस खबर को चलाओ। कोई भी मसला रेप का हो, इस पर 3 महीने से ज़्यादा केस नहीं चलना चाहिए, 3 महीने से पहले फैसला आना चाहिए। खास तौर से बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए ताकि लोगों में दहशत हो कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, वो किसी भी धर्म का हो। और कुल मिला के ध्यान कौन दे रहा है इन मसलों पे? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये बहुत गंदा। ये तो हमारे सऊदी अरब में, मैं बार बार कहता हूँ, क्राइम क्यों कम है? मर्डर और रेप पे वहाँ बख्शीश ही नहीं है, वहाँ एक कोई सामान उठा लो हाथ काट दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान में तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं, हम कुछ कर सकते? हम तो बस सिर झुका के मोदी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जनाब इस पर कुछ करो, आप मोदी हैं तो मुमकिन है। ये बहुत गंभीर मसला है। जैसे कि आपने कहा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, केजरीवाल सरकार भी जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आप एक बेबस मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या गए एक कुर्सी के चक्कर में? कुर्सी का मसला अलग है, ये राजताज ऊपर से है, जिसे बनना जो बनेगा, लेकिन देश की बेटियों के साथ ऐसा हो, कोई भी मसला हो उस पर तवज्जो दो। कुर्सी तो आनी जानी है, लेकिन ये बेटियां जो है ना, अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। इनसे ही पीर पैगंबर जितने पैदा हुए हैं ना, वली यानी पहलवान जो भी हैं, बेटियों से ही पैदा होते हैं। तो इनका जो है ना आदर ना करें, इनके ऊपर तवज्जो दे मोदी साहब। हमारी अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो ये सर किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन अगर ये इसके ऊपर कोई कानून ला देते आप, तो मैं आपको सजा तो सिर्फ एक को करता हूँ मैं, लेकिन सर झुका देता आगे। जिस तरीके से इन भाई साहब ने कहा कि अगर यूपी में ये चीज़ होती तो योगी बाबा अभी तक कार्रवाई कर चुके होते, इसको लेकर हाँ ये सही कह रही है आप। इसी वजह से मैं पहले योगी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से उन्होंने ना दो चार गोलियां पड़ी बंदों पे, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी वजह से मैं मांग करता हूँ कि योगी पीएम बने देश के, जब भी मजा आएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, कोई नियम ला देंगे बेटियों पर? पक्का है कोई ना कोई नियम लाएंगे योगी जी। मैं इसी वजह से जो है उनको सिर्फ बेटियों के चक्कर में पसंद करता हूँ, वैसे बुरे काम उनके दौर में बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये आदा बहुत पसंद है योगी की, मैं इसीलिए उन्हें पीएम देखना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल जानेंगे, जिस तरीके से अगर आपने सुना होगा लड़के के बारे में, साहिल नाम था, हाथ में धागा और गले में रुद्राक्ष पहनता था, और इसको कह रहे हैं बीजेपी कि अब तो हर गली मोहल्ले में द केरल स्टोरी चल रही है, क्या? अरे यार, कानून तुम्हारा है, राज तुम्हारा है, तुम कुर्सी पे बैठे हो, इस पे राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर इस पे कुछ कर देते ना, कोई एक्शन ले लेते ना, तो मेरे ख्याल में सारे पाप धुल जाते, किसी के भी, किसी चाहे वो योगी हो, मोदी हो, चाहे केजरीवाल, कोई भी हो, अगर इस पे एक्शन हो जाता तो मैं तो कहता हूँ कि सारे जो है ना बुराई खत्म हो जाती। आपको टारगेट कर रहे हैं केजरीवाल जी, कानून व्यवस्था नहीं जी है। कौन अपने दिल्ली का नाम बताइए तो जरा। वीके सक्सेना। वीके सक्सेना क्या टारगेट कर रही है कि
दिल्ली व्यवस्था किसके हाथ में? दिल्ली पुलिस हमें दे दिया जाए, केंद्र के हाथ में है कि बेबस मुख्यमंत्री, बेबस मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से सवाल पूछ रहा है। ये पुलिस को पता है क्या? अगर पुलिस को पता होता कि आपके साथ आगे अभी दो मिनट बाद क्या होने वाला तो पक्का वो खड़े रहते। सुना आपने, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा है कि मैं मोदी जी के सामने अपने सिर झुका दूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा अगर वो इस लड़के को पूरी अच्छे से सजा देते हैं। अब उन्हें हबाव हो रहा है कि दिल्ली के अंदर योगी जैसा पीएम सीएम क्यों नहीं है। उन्हें चाहिए भाई दिल्ली के अंदर योगी जैसा सीएम, क्योंकि भाई योगी जी ने इतना टाइट मामला कर रखा है यूपी के अंदर। सबसे ज्यादा क्राइम जो है पहले यूपी में होते थे, लेकिन अब उनकी तादाद घट चुकी है। वहां पर लड़कियों को इज्जत है, उनको फुल सेफ्टी है। लेकिन भाई दिल्ली में जो एक कांड हुआ है, साहिल साक्षी वाला कांड, भाई कैसे उस दरिंदे ने उस मासूम लड़की को, क्या उसके अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? इतना दरिंदगी से उसने उसको जो मर्डर किया। दोस्तों सबने देखा, हमने भी देखा, लेकिन इस पर हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सुन रहा था, क्या बोलता था हिंदुस्तान का मुसलमान, वह वीडियो हमने दिखाया है। एक मुस्लिम भाई ने तो बोल दिया कि भाई अगर यह कांड यूपी में हुआ होता तो उस लड़के की अब तक कब्र बन चुकी होती। और ये सच भी है भाई, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर हुआ है तो लोगों का मानना है जो केजरीवाल सरकार है वो जो है इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेने वाली है, उसके ऊपर कुछ हाईलाइट्स नहीं होगा इसको, तो इसको ऐसे ही दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये यूपी में होता भाई, सबसे पहले उसका घर तोड़ा जाता, घर तो चलो उनका था ही नहीं भाई, किराए पर रहते थे लड़के और इनका पूरा परिवार। लेकिन भाई जो इनकी सोच है, इतनी कट्टरवादी सोच के साथ योगी जी इनको संभाल सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह अगर योगी जी के एरिया में हुआ होता, अगर योगी जी के पास पावर होती इसको सजा देने की, तो क्या अब तक इस मामले में क्या हो चुका होता? दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा और दीजिएगा अपने मन के विचार। हम मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।